तो गाइस कैसे हैं आप लोग, हमेशा की तरह आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज का जो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि गाइस आज हमारे पास मैक्समा की तरफ से बजट में मिलने वाला एक बढ़िया सा स्मार्ट वॉच है, जिसका नाम दोस्तों मैक्समा मैक्स प्रो क्रिस्टल। ये आपको ओनली 1600 रुपए में मिल जाता है। और गाइस 1600 रुपए में इस वॉच में आपको काफी बढ़िया फीचर देखने को मिल जाते हैं। गाइस इसमें आपको 1.83 इंचेस का अल्ट्रा एचडी डिस्प्ले देखने को मिलता है, ब्लूटूथ कॉलिंग, और दोस्तों इसमें आपको मिल रहा है गेम्स कैलकुलेटर जैसे फीचर। गाइस बॉक्स को अनबॉक्स करेंगे, सारे फीचर हमेशा की तरह आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, फुल्ली टेस्टिंग के साथ इसका रिव्यू करेंगे, और दोस्तों अपना एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करने वाला हूं। अगर आप इस वॉच को लेने की सोच रहे हो तो दोस्तों इस वाले वीडियो को देख के आपके सारे कंफ्यूजन ऑलमोस्ट दूर हो जाएंगे। तो गाइस वीडियो में लास्ट तक जरूर बन रही है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों एक लाइक तो जरूर कर देना। तो गाइस पहले बॉक्स को देख लेते हैं। बॉक्स दोस्तों हमारा कुछ इस तरीके का मिलने वाला है। सामने की तरफ आपको मैक्समा की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। गाइस इस साइड आएंगे तो दोस्तों यहाँ पे इन्होंने कुछ की हाईलाइट मेंशन कर रखे हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आपको 1.83 इंचेस का अल्ट्रा एचडी डिस्प्ले देखने को मिलता है, वन टैप ब्लूटूथ कॉलिंग देखने को मिलेगा, ब्लूटूथ वर्जन 5.2 का सपोर्ट मिलता है, प्रीमियम मेटालिक बॉडी मिल जाती है, और गाइस 650 निट्स ब्राइटनेस के साथ इसका डिस्प्ले आपको मिल रहा है, इन बिल्ड गेम्स भी मिलते हैं। बैक साइड में आएंगे तो दोस्तों यहाँ पे भी इन्होंने कुछ की हाईलाइट मेंशन कर रखे हैं, सारे वीडियो में कवर कर दूंगा। और गाइस जब मैंने बॉक्स को अनबॉक्स किया तो दोस्तों बॉक्स कंटेंट में मुझे कार्ड देखने को मिल गया था। इस पे आपको 3-4 क्यूआर कोड देखने को मिल जाते हैं। गाइस इस वाले क्यूआर कोड को स्कैन करके दोस्तों आप अपनी वारंटी क्लेम कर पाएंगे, और गाइस इसमें आपको 1 ईयर मैन्युफैक्चर वारंटी देखने को मिल जाती है, और गाइस इस वाले क्यूआर कोड को स्कैन करके दोस्तों आप अपना यूजर मैनुअल भी रीड कर पाएंगे। एक आपको मैग्नेटिक चार्जिंग केबल देखने को मिल जाता है पोगो पिन कनेक्टर के साथ। केबल की क्वालिटी दोस्तों मुझे बढ़िया लगी है, और गाइस लेंथ भी इन्होंने काफी ठीक ठाक दे रखी है, तो दोस्तों काफी डिस्टेंस से आप अपनी वॉच को चार्ज कर पाएंगे। तो गाइस अब बात कर लेते हैं अपने स्मार्ट वॉच के बारे में। सबसे पहले दोस्तों इसके बिल्ड और डिजाइन की बात करूं तो दोस्तों इस प्राइस सेगमेंट में इस वॉच का जो डिजाइन है वो मुझे काफी बढ़िया लगा है। फुल्ली स्क्वायर शेप का इसमें आपको डायल देखने को मिल जाता है। गाइस बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो दोस्तों डायल इन्होंने फुल्ली मेटल से बनाया है, और दोस्तों इसमें जो क्राउन दे रखा है वो भी इन्होंने मेटल से बनाया है, बट दोस्तों इसमें आपको फंक्शनल क्राउन बटन देखने को नहीं मिलता है। बैक साइड में आएंगे तो दोस्तों यहाँ पे इन्होंने पॉलीकार्बोनेट का यूज किया, सारे सेंसर चार्जिंग पिंस, इस साइड आपको स्पीकर ग्रिल देखने को मिलेगा, और गाइज यहाँ पे इन्होंने माइक्रोफोन लगाया है। स्ट्रैप की क्वालिटी की बात करूं तो दोस्तों स्ट्रैप की क्वालिटी मुझे काफी बढ़िया लगी है, सॉफ्ट है, सिलिकॉन से बनाए हैं। अगर आप इसे लॉन्ग टर्म यूज करोगे तो दोस्तों आपके हाथों में रैशेस वगैरह बिल्कुल भी नहीं आएंगे, और गाइज इसमें आपको रिप्लेसेबल स्ट्रैप देखने को मिल जाते हैं। तो गाइज अब बात कर लेते हैं वॉच के डिस्प्ले के बारे में। तो दोस्तों इस प्राइस सेगमेंट में वॉच का जो डिस्प्ले है वो मुझे काफी बढ़िया लगा है। कॉर्नर की साइड थोड़ा सा आपको कर्व देखने को मिल जाता है। अगर आप से पानी वगैरह में यूज कर रहे हो, इसके डिस्प्ले पे पानी वगैरह गिर रहा है तो दोस्तों आपके डिस्प्ले पे टिकेगा बिल्कुल भी नहीं, एकदम साफ हो जाता है आपका डिस्प्ले, और गाइज धूल मिट्टी भी जल्दी से इसके डिस्प्ले पे चिपकती नहीं है। गाइज जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसमें आपको 1.83 इंचेस का अल्ट्रा एचडी डिस्प्ले देखने को मिलता है, 240x286 पिक्सल रेजोल्यूशन के साथ। तो दोस्तों डिस्प्ले में कलर्स वगैरह आपको अच्छे से दिखाई देंगे, और गाइस डिस्प्ले की जो शार्पनेस है वो भी मुझे काफी बढ़िया लगी है इस प्राइस सेगमेंट में। और गाइस आउटडोर की विजिबिलिटी की बात करूं तो दोस्तों इस वॉच में आपको 600 निट्स ब्राइटनेस भी मिल रहा है, तो गाइस अगर आप इसे आउटडोर में या धूप में यूज करोगे तो दोस्तों वहां पे आपको साइड लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। और दोस्तों इस वॉच को मैंने आउटडोर में यूज भी किया था, अभी गाइज इस वॉच को मैं आउटडोर में ही लेके खड़ा हूँ, यहाँ पे दोस्तों काफी तेज धूप हो रहा है, तब भी दोस्तों इसके डिस्प्ले मुझे अच्छे से दिखाई दे रहा है। और गाइज इस वॉच पे ये वाला वॉच फेस मैंने इसलिए लगाया है जिससे आपको इसके डिस्प्ले पे बेजल्स वगैरह अच्छे से समझ में आ जाएंगे। और गाइज वॉच की कनेक्टिविटी की बात करूं तो दोस्तों मैक्समा स्मार्ट फिट ऐप से आप इसे कनेक्ट कर पाएंगे, जो आपको एप स्टोर और प्ले स्टोर पे आसानी से मिल जाएगा। ऑलरेडी दोस्तों इस वॉच को मैंने अपने स्मार्टफोन से कनेक्ट कर लिया है। ऐप की यूआई मैं आपको दिखा देता हूं, ऐप की यूआई को जिस तरीके से मिल जाती है, सबसे पहले दोस्तों आपको हेल्थ ओवरव्यू देखने को मिल जाएगा, यहां पे आपको इन बिल्ड फोन जीपीएस देखने को मिलेगा। अगर आप यहां पे जा रहे हो तो दोस्तों यहां पे आपकी वॉच का मॉडल नंबर दिख जाएगा, बैटरी स्टेटस वगैरह भी चेकआउट कर पाएंगे, यहां पे आपको वॉच फेसेस वगैरह देखने को मिल जाते हैं, नोटिफिकेशन को दोस्तों यहां से आप इनेबल डिसेबल कर पाएंगे, और गाइज यहाँ पे आपको फाइंड माई डिवाइस का ऑप्शन देखने को मिलता है, अलार्म सेट कर पाएंगे, वर्ल्ड क्लॉक, कैमरा सेटर, ई कार्ड ऐड कर पाएंगे, फेवरेट कॉन्टेक्ट, अदर्स, अपग्रेड,
और गाइज यहाँ पे आपको प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है। तो गाइज वॉच को तो मैंने कनेक्ट कर लिया अपने डिवाइस में, अब इसकी यूआई और फीचर को भी चेकआउट कर लेते हैं। यूआई दोस्तों एकदम स्मूथ है, यहाँ पे दोस्तों आपको कोई भी इशू नहीं आने वाला। अगर आप डिस्प्ले पे थोड़ी देर तक होल्ड करके रख रहे हैं तो दोस्तों यहाँ से इसके कुछ डिफॉल्ट वॉच फीचर्स आप चेंज कर पाएंगे। और गाइज ऐप में भी जाके आप इसके कुछ नहीं बहुत सारे वॉच फीचर्स चेंज कर पाएंगे। यहाँ पे आपको बहुत बड़ी लाइब्रेरी देखने को मिल जाती है और दोस्तों डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपको वॉच पीसेस देखने को मिलते हैं। अगर आपको डिस्प्ले पे अपनी फोटो लगानी है तो दोस्तों यहाँ पे आपको एडिट वाला ऑप्शन देखने को मिलता है। एडिट में जाके दोस्तों आप अपनी फोटो वगैरह भी लगा पाएंगे वॉच के डिस्प्ले पे। अगर आप स्वैप अप कर रहे हो तो दोस्तों यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन सेक्शन देखने को मिलता है। अगर आप स्वैप डाउन कर रहे हो तो दोस्तों यहाँ पे आपको बैटरी स्टेटस देखने को मिलता है, डे और डेट इधर से आप चेकआउट कर पाएंगे। अगर आप यहाँ पे जा रहे हो तो दोस्तों यहाँ से आप अपने फोन कॉल्स को ऑन ऑफ कर पाएंगे, मीडिया ऑडियो को भी ऑन ऑफ कर पाएंगे। गाइज यहाँ पे आपको ब्राइटनेस एडजस्ट करने का फीचर देखने को मिलता है और गाइज यहाँ से लगभग 5 डिफरेंट तरीके से आप अपने मेन्यू व्यू को चेंज कर पाएंगे। यहाँ पे आपको ई कार्ड ऐड करने का फीचर मिलता है, टॉर्च और सेटिंग को दोस्तों आगे चेकआउट कर लेंगे। अगर आप लेफ्ट टू राइट स्वाइप करो तो दोस्तों यहाँ पे आपको स्प्लिट स्क्रीन करने का फीचर देखने को मिल जाता है, टाइम डेट वेदर अपडेट और दोस्तों रिसेंटली आपने जो भी एक्टिविटी करी है वो यहाँ पे शो हो जाती है। एक बार और स्वाइप करो तो दोस्तों यहाँ पे आपको मिल जाता है मेन्यू में सबसे पहले आपको मिल जाता है एक्टिविटी। अगर आप एक्टिविटी में जा रहे हो तो दोस्तों यहाँ पे आपको सारे एक्टिविटी रिकॉर्ड देखने को मिल जाते हैं। और गाइज यहाँ पे आपको स्लीप मॉनिटर देखने को मिलता है, हार्ट रेट मॉनिटर। अगर आप फोन कॉल्स में जा रहे हो तो दोस्तों यहाँ पे आपको रीसेंट कॉल, डायल अप एड, कॉन्टेक्ट साइन करने का फीचर देखने को मिलता है। इसका डायल अप एड दोस्तों काफी अच्छे से वर्क कर रहा था, यहाँ पे दोस्तों मुझे कोई भी इशू नहीं आया। और गाइज यहाँ पे आपको मिल जाता है एक्सरसाइज। अगर आप एक्सरसाइज में जा रहे हो तो दोस्तों यहाँ पे आपको सारे स्पोर्ट्स मोड देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको कोई भी स्टार्ट करना है उस पर आपको टैप कर देना, आपका स्पोर्ट्स मोड सिंपली स्टार्ट हो जाएगा। और गाइज यहाँ से एक्सरसाइज रिकॉर्ड ले पाएंगे, SPO2 मॉनिटर, फ्लैश लाइट, वेदर अपडेट में जा रहे हो तो दोस्तों यहाँ से आप वेदर अपडेट ले पाएंगे। और गाइज लास्ट 7 डे का फोरकास्ट इधर से आप चेकआउट कर पाएंगे। यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन सेक्शन देखने को मिलता है, कैमरा शटर, म्यूजिक कंट्रोल। और गाइज इसमें जो म्यूजिक कंट्रोल करने वाला फीचर वो बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है, तो दोस्तों यहां से आप अपने सॉन्ग को पॉज कर पाएंगे और दोस्तों प्ले भी कर पाएंगे, नेक्स्ट कर पाएंगे, प्रीवियस भी कर पाएंगे और दोस्तों यहां से वॉल्यूम को आप कम ज्यादा भी कर पाएंगे। और गाइज इस वॉच से आप गाने वगैरह भी सुन सकते हैं। यहाँ पे आपको रिलैक्सेशन मतलब कि रिलैक्स मोड देखने को मिलता है, AI वॉइस असिस्टेंट, टाइमर देखने को मिलता है, अलार्म, स्टॉप वॉच, साइकिल ट्रैकिंग, वुमेन्स के लिए मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी देखने को मिलता है, वर्ल्ड क्लॉक, यहाँ पे आपको फाइंड माई फोन का ऑप्शन देखने को मिलता है। इसमें जो फाइंड माई फोन का ऑप्शन है वो भी बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। दोस्तों मैं आपको टैप करके दिखा देता हूँ, अभी दोस्तों मैंने टैप किया है और गाइज मेरे फोन में रिंग होने लग गया, वो भी काफी तेज। यहाँ पे आपको कैलकुलेटर देखने को मिल जाता है, गेम्स में जा रहे थे दोस्तों यहाँ पे आपको ओनली एक ही गेम देखने को मिल जाता है। और गाइज यहाँ पे आपको मिल रहा है सेटिंग। अगर आप सेटिंग में जा रहे हो तो दोस्तों सेटिंग में सबसे पहले आपको डिस्प्ले की सेटिंग देखने को मिल जाते हैं। अगर आप डिस्प्ले में जा रहे हो तो दोस्तों यहाँ से ब्राइटनेस को एडजस्ट कर पाएंगे, स्क्रीन स्लिप को कम ज्यादा कर पाएंगे और दोस्तों मैक्सिमम 30 सेकंड तक आप अपनी वॉच को बेक करके रख सकते हैं। यहाँ पे आपको वॉच फीचर्स देखने को मिलते हैं। मेन्यू व्यू में जा रहे हो तो दोस्तों लगभग 5 डिफरेंट तरीके से आप अपने मेन्यू व्यू को चेंज कर पाएंगे। यहाँ से रिस्ट राइज को भी आप ऑन ऑफ कर पाएंगे। यहाँ पे आपको मिल जाता है वाइब्रेट एंड रिंग। अगर आप वाइब्रेट एंड रिंग में जा रहे हो तो दोस्तों यहाँ पे आपको दो फीचर देखने को मिलते हैं, मोड और इंटेंसिटी। अगर आप मोड में जा रहे हो तो दोस्तों यहाँ से आप अपनी वॉच को वाइब्रेट मोड पे कर पाएंगे, वाइब्रेट और रिंग कर पाएंगे, म्यूट भी कर पाएंगे। अगर आप इंटेंसिटी में जा रहे हो तो दोस्तों यहाँ से आप अपने वाइब्रेशन की इंटेंसिटी सॉफ्ट और स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। यहाँ पे आपको D&D मोड देखने को मिलता है, लो पावर मोड देखने को मिलता है। फोन में जा रहे हो तो दोस्तों यहाँ से आप अपने मीडिया ऑडियो और दोस्तों ब्लूटूथ कॉलिंग को ऑन ऑफ कर पाएंगे। यहाँ पे आपको सिस्टम देखने को मिलता है, अबाउट और दोस्तों रेगुलेटरी इन्फॉर्मेशन। गाइज अब बात कर लेते हैं इसके कॉलिंग वाले फीचर के बारे में। तो दोस्तों कॉल आने पर कुछ इस तरीके का नोटिफिकेशन इस वॉच में आपको दिखाई देगा। तो गाइज यहाँ से आप अपने कॉल को म्यूट भी कर पाएंगे और दोस्तों डिस्कनेक्ट कर पाएंगे और दोस्तों रिसीव कर पाएंगे। रिसीव करने के बाद आपको म्यूट करने वाला फीचर मिलता है, वॉल्यूम को कम ज्यादा कर पाएंगे और दोस्तों कॉल को ट्रांसफर भी कर पाएंगे, आप अपने फोन पे, फोन से वॉच पे भी कर पाएंगे और आपको कॉल को डिस्कनेक्ट करने का फीचर देखने को मिल जाता है। गाइज इसके माइक्रोफोन स्पीकर वो किस तरीके से वर्क कर रहे हैं वो भी मैं आपको टेस्ट करके यहीं पे दिखा देता हूँ। हेलो हेलो, हाँ क्या कर रहे हो? ये बताओ यार मेरी आवाज आपके पास किस तरीके से आ रही है? ठीक से आ रही है। क्लियर है ना जो बोल रहा हूँ? समझ में आ रहा है आपको अच्छे से? हाँ, क्लियर। ऐसा तो नहीं लग रहा कहीं दूर से बात कर रहा हूँ मैं? नहीं नहीं यार, मेरे पास एक मैक्सिमा का स्मार्ट वॉच है, उसी से मैं कॉलिंग कर रहा था। ठीक है। हाँ तो कॉलिंग के लिए ठीक रहेगा ना ये स्मार्ट वॉच? हाँ, अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। अच्छा चलो ठीक है, थैंक यू सो मच।
और गाइस इसके सेंसर की एक्यूरेसी की बात करूं तो दोस्तों सबसे पहले स्टेप्स काउंट करने वाले फीचर को चेकआउट करके देख लेते हैं ये वॉच किस तरीके से स्टेप्स काउंट कर रहा है। अभी मेरी वॉच में 17 स्टेप्स काउंट हो रखा है। अभी मैं थोड़ा चल के आता हूं, फिर मैं आपको दिखाता हूं ये वॉच किस तरीके से स्टेप्स काउंट कर रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। अभी मैं 30 स्टेप्स चल के आया था और दोस्तों वॉच ने काउंट किया है 27 3 स्टेप्स का दोस्तों ओनली मुझे ऊपर नीचे लगा है। और गाइस इसका हार्ट रेट मॉनिटर SpO2 मॉनिटर वो किस तरीके से वर्क कर रहे हैं वो भी मैं आपको प्रोफेशनल ऑक्सीमीटर के साथ टेस्ट करके दिखा देता हूं। मैंने हार्ट रेट की रीडिंग को चेकआउट किया तो दोस्तों मेरी वॉच में 79 बीट्स पर मिनट दिख रहा था और दोस्तों प्रोफेशनल ऑक्सीमीटर में 77 बीट्स पर मिनट दिख रहा था। तो दोस्तों यहां पे मुझे ऑलमोस्ट सेम ही रीडिंग देखने को मिल रहे थे। और गाइस जब मैंने SpO2 मॉनिटर को चेकआउट किया तो दोस्तों मेरी वॉच में 98% अभी दिखा रहा है मेरे ब्लड में ऑक्सीजन है और दोस्तों ऊपर नीचे भी हो रहा था थोड़ा बहुत। गाइस प्रोफेशनल ऑक्सीमीटर में 99 दिख रहा था तो दोस्तों यहां पे भी मुझे ऑलमोस्ट सेम रीडिंग देखने को मिल रहे थे। जब मैंने इसे सरफेस पे रख के इसके सेंसर की रीडिंग को चेकआउट किया तो दोस्तों यहां पे इसने बहुत जल्दी से एरर दिखा दिया था। लेकिन गाइस जब मैंने इसे सॉफ्ट सरफेस पे रख के इसके सेंसर की रीडिंग को चेकआउट किया तो दोस्तों यहां पे इसने रीडिंग शो कर दिए थे। तो गाइज आप लोग समझ सकते हैं इन सब वॉच के जो सेंसर होते हैं वो किस तरीके से वर्क करते हैं, आपको प्रोफेशनली यूज करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। और गाइज इसमें जो बेकअप एंड राइज वाला फीचर है वो भी बहुत अच्छे से वर्क करता है, बहुत जल्दी से आपका डिस्प्ले बेक हो जाता है। गाइज अब बात कर लेते हैं इसके बैटरी बैकअप के बारे में। तो दोस्तों इस वॉच को काफी टाइम से मैं यूज भी कर रहा हूं। गाइज अगर आप इसे कॉलिंग के लिए यूज करोगे तो दोस्तों वहां पे ये वॉच लगभग आपको देने वाली है 2 दिन का बैटरी बैकअप। अगर आप इसे विदाउट कॉलिंग यूज करो तो दोस्तों वहां पे आपको 5 से 6 दिन का बैटरी बैकअप ये स्मार्ट वॉच आपको दे देती है। और गाइज लगभग 2 घंटे में आपकी स्मार्ट वॉच फुल चार्ज भी हो जाती है। गाइज वॉच के कुछ एक्स्ट्रा फीचर के बारे में बात करें तो दोस्तों ये वॉच आपको IP67 रेटेड मिल रही है तो गाइज फुल्ली वॉशेबल है। इसे पहन के आप हैंड वॉश करो कोई भी आपको इश्यू नहीं आएगा। वर्कआउट के दौरान अगर आपको स्वेटिंग वगैरह होती है तब भी आप इसे यूज कर सकते हो, साबर वगैरह में यूज कर सकते हो। बट दोस्तों अगर आप इसे स्विमिंग करते टाइम यूज करना चाह रहे हैं तो दोस्तों वहां के लिए मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। और गाइज वॉच को पहनने के बाद लुक कुछ इस तरीके का आने वाला है। इसका डायल दोस्तों इन्होंने फुल्ली मेटल से बनाया है और दोस्तों इसका डायल इन्होंने काफी फ्लैट भी बनाया है तो दोस्तों दिखने में ये वॉच काफी बढ़िया लगती है। अगर आप इसे स्लीप ट्रैकिंग के लिए यूज करोगे तो दोस्तों वहां पे आपको बिल्कुल भी इरिटेशन महसूस नहीं होगा क्योंकि गाइज इस वॉच का जो वेट है वो काफी कम है। तो गाइज ये थे वॉच के फीचर और UI दोस्तों एकदम स्मूथ है, यहाँ पे आपको कोई भी इशू नहीं आने वाला। और गाइज प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो दोस्तों फीचर भी ऑलमोस्ट सभी इस वॉच में आपको मिल जाते हैं। तो गाइज अब बात आती है 1600 रुपए के प्राइस पॉइंट में से आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ऑलमोस्ट सभी फीचर मैंने आपको अच्छे से बताए हैं 1 by 1 करके। तो गाइज डिसीजन आप खुद से भी ले सकते हो कि आपको इसे लेना है या नहीं लेना है। अगर आपको मेरा ओपिनियन चाहिए तो दोस्तों इस प्राइस सेगमेंट में ये वॉच मुझे वैल्यू ऑफ मनी लगी है। अगर आपका बजट दोस्तों 1600 रुपए और दोस्तों 1600 रुपए में कोई बढ़िया से स्मार्ट वॉच परचेज करना चाह रहे हो जिसमें आपको कैलकुलेटर गेम्स भी मिल रहे हैं तो दोस्तों इस वॉच को आप जरूर एक बार चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप इसे लेना चाह रहे हो तो दोस्तों सारे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, वहां से दोस्तों आसानी से आप इस वॉच को परचेज कर सकते हैं। तो गाइज यही था मैक्समा मैक्स प्रो क्रिस्टल स्मार्ट वॉच का अनबॉक्सिंग रिव्यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों एक लाइक तो जरूर कर देना। इसी तरीके का कंटेंट आगे भी आप देखना चाह रहे हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और गाइस बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।